अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। जैसा कि आपने देखा था, कल मैं हनान का यूनिफॉर्म ले आई थी। तो अभी सुबह का टाइम है, सबसे पहले हनान का यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ, हनान को उनका जो यूनिफॉर्म है वो पहनाऊंगी। तो फिर हनान के लिए नाश्ता बनाएगी, वसीम छोड़ने जाएंगे हनान को। तो अभी सबसे पहले हनान का यूनिफॉर्म निकालती हूँ और वो प्रेस करती हैं, और आपको दिखाते हैं हनान का यूनिफॉर्म कैसा लगता है पहना। जी, तो अभी हनान को मैंने रेडी कर दिया। ये हनान के स्कूल का कम्प्लीट यूनिफॉर्म है। हाँ जी, लंच बॉक्स और वो बोतल पड़ी। चलो बैग में रखो, बैग इधर है। ये पड़ा, हाँ बोतल भी नहीं। आ, 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 राम से खोलो खोलो खोलो, खुल जाएगी राम। हाँ ऐसे, चलो बैग में डालो बेटा लंच बॉक्स और बोतल और चलो स्कूल। प्यारा लग रहा है ना, नान खड़े होकर दिखाओ। ये यूनिफॉर्म है इनके स्कूल का। हाँ शूज है और क्या। चलो कुछ है भी नहीं, शूज है और क्या। जराबे ऊपर डाल दो, नहीं नहीं ले दूंगी, बस एक दो दिन तक सही। तो इसको शूज तो नहीं, साफ शूज है, क्या हो गया। अब नए नए वाले भी लेके दूंगे। नहीं ऐसे नहीं करते, कह रहा ट्राउजर के ऊपर जराबे कर दो। चलो उठो मेरा बेटा, सेम जाए स्कूल छोड़ो, टाइम देखें क्या हो गया। जो भी सेम जा रहे हैं अभी हनान को छोड़ने, मैं बाहर चल के आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ना ना आज सर्दी है। चलो पहनो बैग, चल उठो मेरा बेटा उठो, आओ बाहर मौसम दिखा के लाऊं। पैसे भी दो तो कर लेना, भूल गया। 40 रुपए लूंगा। आपने कल से पैसे नहीं दिए, आपने उसके क्यों नहीं दिए पैसे। कल हाँ तो पैसे तो लेके जाने थे ना, मैं देती हूँ। ये देखे मैंने सीन से कहा मेरे पास चेंज नहीं है, नान को आप पैसे दे दे। कहते नहीं लाई, मैं आपको चेंज देता हूँ, आपको दोबारा भी तो जरूरत पड़ेगी। ये ले जी, ये ले। हाँ जी जी, नहीं ज्यादा देंगे, वो तो अबू से मजाक करते हैं ना। ये क्या करे, खारिश ही हो रही है, नीचे करो। हनान हनान कल भी पैसे नहीं थे लेके, तो कह रहा आज मैंने पूरे 40 रुपीज लेके देते। हनान को रोज के मैं 20 देती हूँ, वैसे मेरे पास कोई कॉइन पड़ा ना फिर वो भी दे देती हूँ। तो ये जो कल नहीं थे लेके गए वो वाले और आज वाले, फिर आज सारा दिन पैसे नहीं मिलने, याद रखना। हाँ जी, तो कल जो मैंने आपको वो लेके दिया है 200 का लिखने वाला, वो बाजार जाते वक्त पैसे देखे, वो आके दिए। जो पीछे मासूम ने खिलाए, वो बर्गर खाया, वो किधर की सारी चीजें। इतने तेज नहीं बनने, चल उठो स्कूल, मैंने याद करवा दिया। अभी कल तो स्कूल लेके गए बर्गर, अल्लाह उससे पहले भी पापा लेके आए और रात को वो भी खाए थे बर्गर, बताऊ। चलो चलो उठो, अब बाहर का मौसम भी दिखाऊं। जी मुझे मेरे अपना जो है चेंज भी मिल गया, नान का भी पैसे दे दिए। चलो उठो, सेम कह रहे हैं भाई बारिश हो रही है, देखते हैं। उसने वो टक्कर लग गई इसकी। चलो फिर खोल लिए, क्या कर रहे हो। चलो वही बारिश हो रही है, हाँ जी जी छुट्टी की तो बड़े शौकीन है। देखो बारिश हो रही है, रहने तो बारिश हो रही है। हाँ चल स्कूल, गेट खोलो और बाहर चलो, खोलो गेट। हाँ 40 है, गेट खोलो। कितनी ठंडी हवा चल रही है, कैसे पर्दे उठ हिल रहे हैं, पॉकेट में ही है। बारिश भी हो रही है, ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ जी जादू हो गया, बाय 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 बाय। वसीम हनान को छोड़ के आ गए, बारिश हो रही है, कपड़े गीले हो गए। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी अपनी और वसीम के लिए नाश्ता। रात को वसीम ने कहा था कबाब फ्राई कर लिया, मेरे साथ बाजार से आई थी रात को, हमने कबाब खा लिए थे। तो अभी दिल नहीं चाह रहा, तो वसीम अंडा खाना, तो मैं तो वसीम हाँ दही लेके आया था। मैंने कहा दही में चीनी डाल के ना पराठे बना लेती हूँ दो, और साथ वसीम के लिए ना अंडा बना लेती हैं। तो अभी मैं अपना वसीम का नाश्ता बना लूँ, वसीम के मैंने पेड़े शेड़े करके रख लिए। तो अभी वसीम आया तो अभी अपना नाश्ता बनाती हूँ, मैं अपना और वसीम का नाश्ता बना के दो। पराठे हैं हमारे, दही है साथ बोल में डाली, वो कटोरी ले गए मैंने, उसमें डाल लेंगे और साथ आमलेट बनाए। तो अभी हम लोग करते हैं अपना नाश्ता, पहले हम करते थे 12 बजे नाश्ता। अब हनान स्कूल जाना शुरू हो गया, हमारी जो रूटीन है वो चेंज हो गई है। अब वसीम ने कहाँ पे जाना है, मैंने सोना नहीं, मैंने सारा घर साफ करना है, उतनी देर में 11 बज जाते हैं पता भी नहीं लगता। फिर हनान को ले जाने का टाइम हो जाता है,
आज हनान को 11 बजे, हाँ हनान को छुट्टी है तो हनान को लेने जाएंगे हम लोग 11 बजे। पहले भाई ड्रॉप लाने वाला है, मैं वर्दा को भी पिला के लाती हूँ और जैफा को भी पिला के लाती हूँ। चलो जैफा खोलो, बुग्गा खोलो, बिठी है बिठी। मैं उस दिन आ गया, मैं कह इन्हें पाजो अगो आंदे ने अच्छा आंटी ने जान भी लगा दिया था जोने चंदा को, जोने चंदा को जैफा को भी लगाया हुआ। ठीक है, अंकल ने लगाया था, दिखाओ कहो दल गई मैं भाई दल गई मैं गोला गोला। अभी मैं घर का सारा काम शाम करके बिल्कुल फ्री हो गई, तो मैंने कहा एक जगह पे मोबाइल सेट करके मैं ना आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ जो हम लोग लेके आए थे ना। जैफा भी दिखाऊंगी, जैफा के भी इतने प्यारे कपड़े लेके आई हूँ, तो अभी हम अपना मोबाइल सेट करते तो फिर आपको कपड़े दिखाते। अच्छा मानो जे वाले कपड़े नहीं दिखाने कह रहा, देखो ईदी के कपड़े ही अभी मैंने अपना जो मोबाइल है एक जगह पे सेट कर दिया अच्छे तरीके से, अभी मैं भी ठीक तरह से होके बैठ जाऊँ फिर आपको कपड़े दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हनान और जैफा के कपड़े। आपने ठीक ठीक पहना गई ना प्यारे, तो मैं चेंज कर लाऊंगी। ये देखें, मैं ये हनान की शर्ट है, ये इसके साथ वाइट पैंट है हनान की। वसीम कहते हैं जी मुझे नहीं पसंद आया, आप चेंज करवा के लाए, वाइट पैंट है इन्होंने तो आपको पता है यहाँ पे मट्टी कितने, उन्होंने एक दिन में एक घंटा भी नहीं पहने उन्होंने कपड़े गंदे कर लेने। मुझे इतनी पसंद आई तो, पर वसीम को नहीं पसंद आई। कहते प्यारी है पर आप कलर वाइट क्यों ले गए। मैंने कहा आज तक हनान और जैफा ने ना जैफा मोबाइल गिर जाएगा, वाइट पैंट नहीं पहने, तो मैंने कहा मैं उनके लिए वाइट पैंटे ले कहती थी, चलो वाइट पैंटे पहन। जैफा ने मोबाइल गिरा दिया था, मैंने दोबारा मोबाइल अपना सेट किया। वसीम से क्या क्या था, वसीम ने स्टैंड लेके आ रहा है, इंशाल्लाह कल या परसों हम लोग जाएंगे खुद स्टैंड लेके आएंगे। फिर ना इधर भाई भी मोबाइल वाली दुकानें हैं ना, तो उनसे लेके आएंगे। तो आप लोग लाजमी बताना है कपड़े नहीं प्यारे हैं हनान और जैफा के, फिर मैं चेंज करवा लूंगी। मुझे तो अच्छे लग गया पर वसीम को नहीं अच्छे लग रहे, वो कह रहे नहीं वाइट कलर है। भाई वो पढ़ना हनता भाई फिटर में दुबू भी है, वो फिटर के अंदर तो ये भी बच्चों के हैं। मैं दो दो सूट लेके आई, वसीम कहते दो दो ले आना, बाकी हम ना और ले आएंगे। अच्छा एक मिनट मैं इसको पहले दूध दे दूँ। जैफा दूध मांगे तो जैफा को मैं दूध दे रही हूँ, तो ये भी मैं बच्चों के लेके आई हूँ ना। और नान वगैरह के ना रेडीमेड सिलवा रही, मैं आपको दिखाऊंगी कि मान इतने इतने उनके जो आस्तीन होते हैं ना आसन वो होते हैं, तो बच्चों से फट जाती है नान, तो बहुत मेरा सिलवारे अपनी फाड़ देना। फिर मैं खुला कपड़ा लेके आई थी अपनी शॉप पर भी, कल देखा होगा मैंने वीडियो बनाई थी, ये वाला सूट लिया था देख कितना प्यारा कलर है। तो इसमें से सूट बनेगा हनान का भी जैफा का भी, तो कपड़ा भी बच जाएगा। मेरे बाजी का बेटा आया हुआ था, वहाँ तो शूज पहनता रहता, कहता मासा आपने मेरे लिए भी सूट लेके आना। फिर मैंने कहा मैं पूरा कपड़ा ले रही हूँ बाजी के बेटे का, हनान को और जैफा को तीनों की शलवार से बना देना, तो मैंने तो सिंपल सिलवानी है। सीम कहते थोड़े डिजाइन कराना, मैंने कहा नहीं अच्छे नहीं लगते ओवर लगते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल शलवारे की मीजें नहीं होती वो सिलवाऊंगी। वो जब मैं यहाँ पट्टी लगाती वो लगा के मैंने कहा मैं सीखूंगी, यहाँ दोनों साइडों पर ना पोपटे लगा दें खाली, मन को बहुत अच्छी लगी। तो मुझे इतना प्यारा ये कलर लगा, मुझे बहुत पसंद आया था। ये बच्चों के और भी कपड़े लाने, अभी वसीम कहते हैं अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना, फिर एकदम से फिर शॉपिंग करना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी करके अपनी शॉपिंग कर ली, अभी कुछ कर लें फिर बाकी। मुझे कहते जूतियाँ भी ले आना, फिर मैंने कहा मैं जूतियाँ रोज़ों में ले लूँगी जाके, कहते चले ठीक है। तो एक मैं आई अपना ड्रेस लेके आई हूँ, इसकी ना मैं आपको ना एक पिक्चर इधर लगाती हूँ, तो वो जैसी मैंने फ्रॉक सिलवानी ना मैं ये वाला कपड़ा ले गई, मैं आपको ना तस्वीर लगाती हूँ, आप वो लोग देखना इधर कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं पैसे भी साथ साथ बताऊँ, आपने कहना आप ही आपने पैसे नहीं बताए, ये 1000 रुपये की खाली मुझे शर्ट मिली है, मुझे इतनी पसंद आई। शायद वीडियो में ना कोई इतनी खास लग रही है, पर इसका प्रिंट इतना प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ, मैंने ये वैसी फ्रॉक सिलवानी है। उसके बाद मैं एक ये सूट लेके आई थी ब्लू कलर का, ये शायद आपने वीडियो में नहीं देखा, ये वाला देखा कि दोनों मैंने एक ही शॉप से लिए थे। एक उनकी दस, हाँ यहाँ भाभी को ये ब्लू वाला ज्यादा पसंद है, कहती आप ही ब्लू वाला आपका ये जो सूट है ये ज्यादा प्यारा। ये देखिए ये इसका पोस्टर है, इतने कसम से महंगे कपड़े 2200-2200 रुपए के, मुझे सिर्फ गला है ना जो वो अच्छा लगता है कढ़ाई भी, बाकी मैं कहती सिंपल भी होता खा रहा है, क्योंकि पिक्चर वगैरह लेते हैं ना इन पर यूं दुपट्टा लिया था, तो फिर ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती है पिक्चर में। तो ये देखें, एक मिनट ये लेके आई हूँ, ऐसे दिखाती हूँ, ये देखें ये इसका गला बना हुआ है ना,
गले पे सारी कढ़ाई है, कितनी प्यारी कढ़ाई है रेड और ब्लू कलर में, और साथ इसका फिर मैं बाद में तैन लगा लूंगी उसका ब्लू कलर का जो ट्रोजर है, मैं पैंट पजामा सिलवाऊंगी और साथ में ये इसका दुपट्टा सेम ड्रेस जैसा। तो एक ये मैं ब्लैक वाला लेके आई हूँ, ये तो आपने वीडियो में देखा गई जब भाई ओपन करके दिखा रहे थे ना, मैंने वीडियो बनाई थी उस ऐपा बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, फिर बाकी जितनी मुझसे वीडियो कल हो सकी थी ना मैंने बना ली थी। मैंने उन्हें कह के ये तो मैंने कहा था जिनके ना गले बने हो थोड़े वो वाले मुझे दे, फिर उन्होंने वही वाले दिए थे। जहाँ से आप ही लेके आई थी ना वहाँ पे गई थी, पर उनके पास कलर बहुत लाइट लाइट थे, फिर मैंने नहीं लिए। देखिए एक ये है, इसका भी मैं आपको दामन वगैरह दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी निकाल देती हूँ। कह रहा गाड़ी नीचे गिर गई मेरी, ये देख ये इसके नीचे सारा नजर आ रहा है। हाँ ये इसके नीचे सारा वाला बॉर्डर है और बाजू है साथ इसका। ये मुझे पजामा बहुत प्यारा लगा, इसका मैंने पैंट पजामा सिलवाना है। ये देखिए कितना प्यारा है, प्रिंटेड है और साथ में ये इसका दुपट्टा है। बस यही मैं अपनी शॉपिंग करके लाऊंगी। आमना और भाभी सबको बहुत पसंद है, भाभी कहती है आप ही आप मेरे साथ चलना जिस शॉप से। हाँ मैं अपने ये भी कपड़ों के पैसे बता दूँ, ये 2200 रुपये कह रहा था, तो लड़की हमने 1800 के लिए, तो ये बच्चों का कह रहा था ये वाला जो ब्लू वाला है ना, ये भी अंकल कह रहे थे 1500 रुपये का, तो हम उन्हीं से लेते हैं। फिर हमने अंकल से कहा नहीं अंकल 1200 का, फिर अम्मी ने भी लिया मैंने भी लिया, तो ये हमें उन्होंने 1200 का कॉटन का दिया था। और यकीन जाने जो अंकल की कॉटन है ना बिल्कुल नहीं ख़राब होती है। मैं लास्ट टाइम भी अंकल से लेकर थी, अंकल से मैंने 200 टोर लिया कॉटन के, एक जो मैंने ईद पे पहना था, मारिया भाई बिलालो के घर गए थे तब मूसा हुआ था, हाँ तब पहन के गई थी, तो अभी तक साल हो गया तो बिल्कुल भी उनका कॉटन नहीं ख़राब हुई, मैंने वॉश किया। एक मेरे प्यास ब्राउन कलर करना है, उसकी भी कॉटन बिल्कुल ख़राब नहीं हुई जी। तो बस यही मेरे यही कपड़े थे, इतने काफ़ी हैं, मैंने नहीं और लेने, बस बच्चों को और ले दूँगी, मेरे लिए तो इतने काफ़ी हैं, तीन बच्चों के लिए और कपड़े ले लूँगी, और मेरे ये काफ़ी हैं। अभी हानिया के सॉरी एक तो हानिया ही मुँह पर चढ़ा, वर्दा के रह गए इंशाल्लाह, वो हमने कहा था रमज़ान में वर्दा की शॉपिंग करेंगे। ज़रा बच्चों के ना प्यारे प्यारे ड्रेस आएंगे, अब थे पर इतने खास नहीं थे, मुझे एक ना ड्रेस एक तो बड़े अच्छे लगे थे, तो अम्मी कहती नहीं रहने दे सही नहीं है, अम्मी ने भी लेके देने, हमने खुद लेने आए। पहले तो मेरी बेटी की है, मैं इतने इतने प्यारे हेयर बैंड देख के मैंने कहा मैं सारे सूटों के साथ मैच करके हेयर बैंड लूँगी, तब बच्चों के और दो दो सूट लूँगी, हजाफा के दो निकले शर्टें ले लूँगी, हनान की पैंट शर्टें ले लूँगी, और अब मेरी जूतियाँ रह गई हैं, दो जूतियाँ ले लूँगी काफ़ी हैं, और बच्चों के सैंडल लेके दूँगी दो दो, उन्हें शूज़ तो पहने नहीं जाने गर्मी बहुत होनी, नहीं इनके साथ मैं शूज़ लूँगी। और आपने लाजमी बताना है कि ये चेंज कराऊँ या ना कराऊँ, मुझे तो इतनी अच्छी लगी हैं। ये दिया उन्होंने 1000 रुपये का हजाफा का पेयर दिया, उन्होंने नान का कितने का दिया, नान का पता नहीं 250 रुपया ऊपर लिया मेरे ख्याल से, हाँ तो हनान के ऐसे दिया, ये हजाफा का 1000 रुपये का, और मेरे ख्याल से हनान का 1250 रुपये का, रसीद पता नहीं कहाँगी, रसीद भी तो किधर भी मिल रही। तो बस यही हमारे थोड़े से कपड़े थे जो आपको दिखा दिए, बाकी थी शॉपिंग करेंगे, ज्वेलरी जो हमारी रहेगी और जूतियाँ वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है नान को स्कूल से लाने का, तो चलते हैं, और भाई बहुत अच्छा मौसम है, मौसम इंजॉय करके हम जाएंगे नान को स्कूल लेने।